बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, क्लास सेकेंड ईयर। आई एम फजल वनीशा। टुडे द टॉपिक इज अबाउट द नॉमनक्लेचर ऑफ अल्केन और अल्केन नॉमनक्लेचर। व्हाट इज नॉमनक्लेचर? नॉमनक्लेचर मीन द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ नेमिंग अ कंपाउंड इज कॉल्ड नॉमनक्लेचर। सो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेमिंग सिस्टम आर टू टाइप, दैट इज द कॉमन सिस्टम एंड आयोपेक सिस्टम। ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो हम नाम देते हैं तो दो तरीक़ों से देते हैं, एक है कॉमन सिस्टम और एक सिस्टम है आयोपेक सिस्टम। ये जो आयोपेक है, ये इसकी जो एब्रीवेशन वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। स्टार्ट में ये होता था एट द बिगिनिंग कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनको जो नाम दिया जाता था, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स या ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रॉपर्टीज या ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिविअल रीजन। जैसे कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, इसका ये इसका स्ट्रक्चर है, इस कंपाउंड का नाम था फॉर्मिक एसिड। अब इस कंपाउंड को कहा जाता था फॉर्मिक एसिड, इसकी रीज़न ये था कि ये जो कंपाउंड था ये ऑब्टेन हुआ था रेड एंड से, और रेड एंड को कहा जाता है फॉर्मिक। तो इसी वजह से इस कंपाउंड का नाम रखा गया था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स फॉर्मिक एसिड। सिमिलरली ये CH3COOH जो कंपाउंड है इसका नाम था इसका नाम है एसिटिक एसिड, और ये भी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और ग्रीक वर्ड टर्मिनोलॉजीज में ये जो एसिटिक एसिड है इसको कहा जाता है फेनेगर, इसको कहा जाता है। लेकिन जो कॉमन नेमिंग सिस्टम था ये ज़्यादा टाइम तक चल ना सका। इसकी रीज़न क्या है? एज वी नो दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, जो नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये अबव 35 मिलियन है, और हम जानते हैं कि हर साल 1000 ऑफ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड वो डिस्कवर हो जाते हैं या वो सिंथेसिस उनकी लेबॉरेटरी में प्रिपरेशन हो जाती है। तो इस वजह से हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉमन देना ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉमन नाम दें और कॉमन नेम के बाद उसको याद रखें। उसको याद रखना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 35 मिलियन प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम याद रखना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से क्या हुआ, देयरफॉर इन 1957 एक रूल्स सेट किए गए टू नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इनको नाम देने के लिए एक रूल सेट किया गया, और वो रूल का जो बेस था, दैट बेस वॉज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, और इसको नाम दिया गया आयोपेक सिस्टम का नाम दिया गया इसको। तो 1957 से फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो नेमिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ उसको कहा जाता है आयोपेक सिस्टम। अब हम स्टार्ट लेंगे अल्केन्स के आयोपेक सिस्टम से। तो याद, ऑर्गेनिक कंपाउंड या अल्केन को नाम देने से पहले आप लोग याद रखें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम के हमेशा दो पार्ट्स होते हैं। हर एक मॉलिक्यूल के जितने नाम होते हैं उसके टू पार्ट्स होते हैं। एक नाम उसको नाम का एक हिस्सा रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, जबकि दूसरा पार्ट रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मीथेन, तो इस नाम के टू पार्ट्स हैं, एक है मिथ और एक है ANE। ये जो मिथ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन को, और ANE जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शनल ग्रुप को। सो इसी बेस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो नाम होते हैं इनके नाम के पार्ट्स होते हैं, और वो पार्ट्स मोस्टली ये टू मेन पार्ट्स में सिर्फ यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एक होता है उसका नाम रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, और उसके फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें आप लोगों ने अपने साथ याद रखनी है जो नेमिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आप लोगों को अल्केन के नॉमनक्लेचर के बारे में बताऊँगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस तरह हम बोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1 के लिए यूज़ होते हैं मिथ, 2 के लिए इथ, प्रोब, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। सो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में 1, 2, 3, 4 है, जबकि हम जानते हैं कि जो अल्केन है इसका फंक्शनल ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप नेम जो है वो है ANE। सो जिस नाम के साथ भी एंड में आएगा ANE,
तो ये ए एन ई जो है ये रिप्रेजेंट करता है सिंगल बॉन्ड को। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया कि मॉलिक्यूल के बेसिक नाम जो होता है इसके टू पार्ट्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन है, तो वन के लिए हम यूज़ करते हैं मिथ, और नंबर ऑफ जितने बॉन्ड हैं इसमें सिंगल हैं तो इसके लिए हम लिखते हैं ए एन ई। तो ये जो सी एच फोर मॉलिक्यूल है इसका नाम होगा मीथेन। अब यहाँ पर कार्बन कितने हैं, टू, तो टू के लिए हम यूज़ करते हैं इथ, और इसमें बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन के दरमियान वो सिंगल है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ए एन ई, तो ये हो जाएगा मीथेन। सिमिलरली थ्री प्रो और ए एन ई प्रोपेन। सिमिलरली वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स के लिए हम यूज़ करते हैं हेक्स और बॉन्ड है सिंगल तो इस मॉलिक्यूल का नाम होगा हेक्सेन। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हेक्स और ए एन ई रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल बॉन्ड्स को। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँगा कि जो अल्केन के नेमिंग सिस्टम है उसके रूल्स क्या है। इंशाल्लाह ये कमिंग लेक्चर में आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकता है, कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।